हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जल्दी आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं लेके आऊंगा आपके सामने। तो 112 प्रश्न मैंने बता दिए थे आपको, आगे का प्रश्न देखते हैं। एसर्शन और रीजन में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि काफी जो आंसर्स हैं वो लास्ट में जब फाइनल आंसर की आएगी तभी हम कह सकते हैं कि ये सही है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से करेंगे। और कोई भी कमी हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सही उत्तर, ताकि अन्य को भी फायदा मिले। तो इसमें असर्शन दिया गया था, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज मोर और लेस स्टेबल विद द क्लाइमेट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही लगती है मुझे कि जो जलवायु में चमोत्कर्ष समुदाय है यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी अधिकतर स्थायी बना रहता है। ठीक है, अगला है, इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट एरिया दैट मे डेवलप क्लाइमेक्स कम्युनिटीज विद वेराइटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट स्टेज है सक्सेशन की दोस्तों, कि इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है जो एनवायरमेंट चेंजेस को सहन कर सकती है। तो इसका जो मुझे उत्तर लगता है वो उत्तर होगा कि बोथ एसेसन एंड रीजन आर नॉट, बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, रीजन भी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न में आते हैं, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर कैन बी फैसिलिटेटेड यूजिंग, जो केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है वो किसको यूज करके जो है उसको सुकर बनाया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो दोस्तों पीईजी होता है। ठीक है, क्योंकि जो केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है इसको कहते हैं कि इस फैसिलिटेट थ्रू पॉलीइथाइनिल ग्लाइकोल। तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका होगा थर्ड। अगले में जाएंगे, द पैलिंड्रोमिक साइट इन ए डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी आइडेंटिफाई, जो पैलिंड्रोमिक साइट है डीएनए की वो किससे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये देखा जाता है दोस्तों, क्योंकि एक साइट होती है, ये पैलिंड्रोमिक साइट्स होती हैं। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल में, तो इसमें क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, इसके द्वारा जो अपोजिट स्ट्रैंड डीएनए हेलिक्स के उनको एक कटिंग का काम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन द लैगिंग स्ट्रैंड इज 5-3 डायरेक्शन। तो दिस इज द राइट आंसर फोर्थ वन। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन्स द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन आर, जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेनली डीएनए सिंथेसिस का कार्य होता है। ठीक है, तो जहां पर डीएनए सिंथेसिस है दो जगह ऑप्शन में डीएनए सिंथेसिस लास्ट में हो रहा है। ठीक है, मैनी कॉपीज ऑफ डीएनए बनाने के लिए पीसीआर का यूज होता है। अब सीक्वेंस कौन सा होगा उसका, तो इसका जो सीक्वेंस होता है सबसे पहले क्या होता है डीनेचुरेशन किया जाता है, फिर प्राइमरी एनिलिंग, फिर होगा डीएनए सिंथेसिस। तो दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अ स्पीसीज मे बी कंसिडर्ड एंडेमिक। ठीक है, तो एंडेमिक जो होती है स्थानिक तभी मानी जाएगी जब क्या हुआ कि वो फाउंड इन ओनली अ सिंगल जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, एंड नो वेयर एल्स। ठीक है, किसी एक ही कंडीशन में पाई जाएगी, एक ही जगह पे वो पाई जाती है तभी उसे एंडेमिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन इजी था। अगला है, सक्सेस एंटेरिकस यानी कि सेंसेस जो एंटेरिकस क्या कंटेन कर रहता है, वो इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलिन, म्यूकस या ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। तो जो दोस्तों सक्सेस इटेरिकस होता है यानी कि ये क्या होता है एक तरह का वेरियस जूसेस जो बनते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, उनका एक कलेक्शन होता है। ठीक है, एक प्रकार का जूस होता है जिसमें क्या होता है वैरायटी ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एरेस्पिन, लाइपेस, लैक्टेस, इनवर्टेस। ठीक है, अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं। तो इसका सीधे सीधा उत्तर हो गया ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स यानी कि फोर्थ वन। अगला हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर इन ऑल द मेंशन्ड सेल टाइप्स पोजेस थिक एंड लिग्नोसेलुलोसेलिक सेल वॉल। ठीक है, किन में होगी लिग्नोसेलुलोसेलिक सेल वॉल। ठीक है, इसके सही उत्तर के लिए दोस्तों आंसर का वेट करना होगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि कोलोनकाइमा में भी थिक सेल्स तो मिलती हैं, ठीक है, और गार्ड सेल में होती हैं, स्क्लेरॉइड में होती हैं, तो दूसरा लग रहा है आंसर। लेकिन आप को अगर इसका उत्तर मिला है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं, पिरामिड ऑफ ए बायोमास इन ओशियन इज इन्वर्टेड। अब पिरामिड ओशियन में इन्वर्टेड क्यों होता है। ठीक है, द बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज ग्रेटर देन जूप्लैंक्टन, बायोमास ऑफ ट्रॉपिक लेवल डिपेंड्स ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ इट्स मेंबर, बिल्कुल फाइटोप्लैंक्टन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली जी, द प्रेडेटर फिश इज मच लार्जर देन जू,
प्लैंकटोन। ठीक है, तो बी सी डी यहां पे सही होगा दोस्तों, क्योंकि ए क्या होता है कि वहां पर एक समुद्र में क्या होता है कि जो प्लैंकटोन ज्यादा होता है, तो उनका बायोमास जो कहा जाता है। ठीक है, तो ये बी सी डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, द साइट ऑफ वाटर ऑक्सीडेशन एंड सोर्स ऑफ ओटू इवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस लाइज इन। ठीक है, जो साइट ऑफ वाटर ऑक्सीडेशन है, तो ये जो होती है, जो इनर सर्फ स्पेस होता है ल्यूमेन का, उसका थैलाकोइड का, क्लोरोप्लास्ट के, उसमें होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वैस्कुलर एस स्किन, मस्कुलर टंग, क्लोका, न्यूक्लेटेड आरबीसी आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों जो न्यूक्लेटेड आरबीसीज हैं वो पाई जाती हैं लगभग वर्टिब्रेट्स में, सभी वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट मैमल्स। तो मैमल्स की यहां पे बात हो रही है, तो उनमें नहीं मिलेगा। तो मैमल्स में यहां पर आ जाएगा होमो सेपियंस, यानी कि मनुष्य की यहां पे बात होगी, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बचते हैं राना टिग्रीना, ये भी नहीं आएगा, वर्टिब्रेट्स में आता है, लेकिन अब इसमें देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है, कि इन्फेंट्स में तो मल्टी न्यूक्लेटेड आरपीसी पाई जाती है बच्चों में, बाकी चीजें तो हमें समय मिलनी है, सवनी त्वचा वगैरह। अब इसमें देखना पड़ेगा आपको आंसर कौन सा होगा, तो अगर किसी को एक्यूरेट आंसर पता है तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसको। अगला है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इन प्लांट शो प्रेजेंस ऑफ। तो हैप्लोन्टिक होगी तो फ्री लिविंग यहां पर गैमेटोफाइट होगा, उसमें डोमिनेट्स द लाइफ साइकिल करेगा, तो फोर्थ वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ठीक है। द कैटेगरी ऑफ एयर क्वालिटी इज कंसिडर्ड टू बी मॉडरेट पॉपुलेशन वेयर एक्सीडेड फैक्टर। ठीक है, एयर क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों जो एयर क्वालिटी मानी जाती है वो गुड होती है 0 से 50 के बीच में। ठीक है, इंडेक्स के रूप में अगर मैं बताऊं आप लोगों को एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तो 0 से 50 तो गुड क्वालिटी मानी जाती है, और मॉडरेट पाया जाता है 51 से 100 के बीच। ठीक है, तो 51 से 100 में अगर हम इसके देखेंगे तो 0.5 से लेके 1.0 तक इसमें जो इन्होंने पॉइंट्स में दिखाया है वो सही होना चाहिए, तो थर्ड इसका सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जी फॉर्म इनसेफेलोपैथी यानी कि टीएससी इज एन क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है, ये कॉज किसके द्वारा की जाती है, तो ये तो प्रायोन के द्वारा की जाती है, फोर्थ वन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहां पे मैं आपको बता दूं कि वायरॉइड को खोजा गया था वायरस के बाद, जो अति सूक्ष्म थे, वायरस से भी छोटे होते हैं वायरॉइड, तो लेकिन प्रायन होता है एक प्रकार का, क्या होता है, ये प्रोटीन होता है जो मनुष्य के सेल्स में बनता है। ठीक है, तो ये इस चीज को क्रिएट करता है, तो ये भी एक रिसेंटली खोजा गया है, एक तरह का कह सकते हैं कि जो बीमारी उत्पन्न करने वाला एक तरह का, जो स्मॉल सबसे स्मॉल यहाँ पे वायरस से भी स्मॉल ये होते हैं। ठीक है, प्रायन। अगला है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे देख लीजिए कि यहाँ पे जीनस के से मिला लीजिए मैग्नीफेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा C का 5, तो C का 5 है, दो जगह C का 5 दिख रहा है आपको। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर मिला लीजिए, ठीक है, ऑर्डर में एल्स लगता है, तो बी का फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन में, तो थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसे, बाकी मिला लीजिएगा तो ये उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अ क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन बाय स्केल्टल मसल ड्यू टू। ठीक है, एक ब्रिज बनता है मसल का, वो किससे फॉर्म्ड होता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन बाय स्केल्टल मसल्स ड्यू टू, क्योंकि जब एक्टिन बाइंड होता है एक्सपोज मायोसिन हेड से, तभी ये प्रकार का एक ब्रिज बनाता है। ठीक है, ये मसल्स एंड कॉन्ट्रेक्शन का चैप्टर है दोस्तों, उसमें आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि किस तरह की पूरी उसमें प्रोसेस है मसल कॉन्ट्रेक्शन की, तो उसमें ये सही है, जिसने ये किया उसका सही हो जाएगा, दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न था, जेनरेशन ऑफ नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन विदाउट इन्वॉल्विंग माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स ड्यूरिंग, जब माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फोर्थ वन, फोटो रेस्पिरेशन में, क्योंकि क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम तो आपको पता ही है, और सबस्टेल लेवल, ये सब सेल साइकिल हैं। ठीक है, जो सेल्स में होते हैं और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज करते हैं। ठीक है, इसलिए ये उत्तर सही होना चाहिए फोर्थ वन। अगला प्रश्न है, द वेस्कुलर कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर इज कॉल्ड। तो ये होता है दोस्तों पोर्टल सर्कुलेशन, इसका सही उत्तर होगा फोर्थ वन। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू नेम
एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद लीडिंग टू फैटीग वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करने वाले स्व प्रतिरोधी विकार जिसके कारण शांति और कमजोरी व पक्षाघात हो सकता है के बारे में बताइए। तो एक तरह की बीमारी को आपने सिलेक्ट करना है जिनसे ये फैटीग वीकनेस या पैरालिसिस तक हो सकता है। तो ये होगा दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है कि ये क्या है कि एक तरह का जेनेटिकली डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंक्रीजिंग वीकनेस एंड ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल मसल्स हो जाता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, ये जो इसमें क्या होता है कि मैनी पीपुल क्या होते हैं कि जल्दी क्या हो जाते हैं एकदम से वॉक करना तक भी यानी पैरालिसिस की कंडीशन भी यहाँ पे आ जाती है। तो एक प्रकार का क्या है अनुवंशिक बीमारियों का समूह है। ठीक है, जो कमजोरी बढ़ने और मांसपेशियों की कमी का कारण है। तो यही इसका सही उत्तर होगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अगला है द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्प्स। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी करवाया था कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करे एटीपी प्रोड्यूस करना, तो वो क्या करेगा अल्टीमेटली एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी, ये कार्य होता है मिडिल पीस ऑफ स्पर्म का। ठीक है, तो थर्ड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इन ए साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ म्यूटेटिकली डिवाइडिंग सेल्स अ डायसेंट्रिक एनाफेज ब्रिज वॉज ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉज ऑफ सच अपीयरेंस इन ए डायसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन की कोशिकाओं में क्या हुआ कि इस तरह का ब्रिज देखा गया एनाफेज ब्रिज, तो द्विकेंद्रीय पश्चावस्था सेतु दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इस प्रकार की संभावना के क्या कारण हो सकता है। ठीक है, इसका कारण म्यूटेशन से रिलेटेड है, इसका आप मुझे उत्तर बताएंगे तो अच्छा रहेगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रैक्टिस ऑफ एन एनिमल ब्रीडिंग इन विच सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्योंकि यही एक इसका नाम बोला जाता है। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग का क्रॉस ब्रीडिंग फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरस्पेसिफिक ये कंफ्यूजन के लिए आपको दे रखा है कि एक ही जाति के या अलग अलग जातियों में होना चाहिए, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग इसका मेनली नाम कहा जाता है, तो इसका फर्स्ट इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला है वन बैड एप्पल स्पॉइल्स द लॉट दिस कॉमन ऑब्जेक्शन इज बेस्ट एट्रिब्यूटेड टू। ठीक है, अब एक खराब होगा तो सारा हो जाएगा, ये किस लिए कह सकते हैं कि क्या होगा उसमें। तो दोस्तों क्या होता है कि जो एथिलीन होता है वो हार्मोन पकाने के लिए जो है यूज किया जाता है मेनली। ठीक है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा तभी तो जाके अदर को भी स्पॉइल करेगा। ठीक है, एक खराब सेब समूचे को खराब कर देता है, तो एथिलीन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा एथिलीन। ठीक है, एक राइप हो जाएगा तो अदर भी इसी तरह से उसके राइप हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न था आइडेंटिफाई द बैक्टीरियम विच इज Inserted into a crop plant to provide resistance to pests from following options। ठीक है, तो Bacillus thuringiensis BT आपने नाम सुना ही होगा, तो थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, BT बैगन BT कॉटन इसके उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है When a pea tendril comes in contact of a sting, it curves around। What is kind of tropic response? तो ये किस तरह का जो है एक अनुवर्ती प्रतिक्रिया दिखा रहा है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन है इसमें। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा उत्तर थिगोट्रोपिज्म में आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा, क्योंकि क्या होता है कि यही क्या है एक डायरेक्शनल रिस्पांस है। ठीक है, जब कोई प्लांट किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो इसके एग्जांपल हैं जैसे कि पी में स्वीट पी में पाया जाता है, उनके टेंड्रिल्स यहाँ पे मुड़ती हैं, तो यहाँ पर टेंड्रिल्स कॉइलिंग है, तो थिगोट्रोपिज्म इसका सही उत्तर है। ठीक है, छुई मुई का भी इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, कि उनके छूने पर स्पर्श पे भी अगर कभी पूछ लिया जाए कि स्पर्श से लेके भी कौन सा होता है, तो ऑब्जेक्ट में जहां पर भी यहां पर आएगा तो वहां पे थिगोट्रोपिज्म होगा ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अगला प्रश्न है रेस्पेसिंग कॉन्सेंट ऑफ 0.7 ऑफ ए टिश्यू और एन ऑर्गेनिक सस्टेड द रेस्पेसी सब्सट्रेट टू बी। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह का था कि रेस्पेसिंग कॉन्सेंट ग्लूकोज का होगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट माल्टेज और लिपिड्स, तो चार ऑप्शन दिए हैं, दो सही। अगला प्रश्न था दोस्तों, इसमें एसर्शन दिया गया था है कि 20 अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसेंशियली ऑफ अमीनो एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड और आर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ऑर्गेनिक देयर में भी एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब इन दोनों को देखा जाए तो दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, आर्टिफिशियल इंसिमेंशन टेक्निक, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक जो है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये थर्ड इसका सही उत्तर है, ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजेकुलेट्स, ठीक है, सही उत्तर है थर्ड। अगला देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वॉटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन के हैं तो अलॉन्ग विद बीओडी इज इंडिकेटेड बाय द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर, द फिश बिकम रेयर एट डीओ वैल्यू ऑफ, ठीक है, दुर्लभ हो जाएगी यानी कि मछली उसमें नहीं मिल पाएगी अगर उसका पीपीएम कितना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है कि द फिश बिकम रेयर एट द डीओ ऑफ 4 to 5 ppm ऑफ वाटर, ठीक है, अलग अलग लेवल दिए जाते हैं यहाँ पे, तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके लिए अलग अलग है, लेकिन जो फिश है उसके लिए होता है केवल 4 to 5 ppm ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मिसोडर्म, इंस्टेड इट प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पैचेस, ठीक है, कुछ जंतुओं में क्या होता है जो काय भित्ति होती है मिसोडर्म द्वारा अस्थिरित नहीं रहती, जबकि यह कुछ जंतुओं में बिखरे हुए थक्के के रूप में रहती है, ठीक है, जो बॉडी कैविटी होती है थक्के के रूप में किसमें होगी, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। तो इसका सीधा सीधा उत्तर जो है दोस्तों सीडो सिलेमेट होता है, क्योंकि ये क्या होती है एक तरह की फाल्स बॉडी कैविटी होती है या सिलोम होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें कि जो स्पेस होता है बॉडी वॉल का वो और एनिवेंट्री कैनाल का वो फिल्ड किया जाता है पैचेस ऑफ मिसोडर्मल सेल्स के, ये एसके हेलमथीस के जो मेंबर्स हैं उनमें दिखाया जाता है। अब सिलोमेट है तो सिलोम पाया जाएगा, ये तो सीधे हो गया, एसिलोमेट मतलब कि सिलोम पाई नहीं जाती है, ठीक है, हीमोमेट्स होगा कि हीमोग्लोबिन पाया जाएगा सिलोम में, तो जो सही उत्तर है वो है सीडो सिलोमेट थर्ड। अ क्रॉस वॉज डन बिटवीन डोमिनेंट वाइल्ड टाइप ग्रे बॉडीड मेल ड्रोसोफिला, इसका आंसर भी दोस्तों बाद में जब आंसर किया जाएगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर किसी को सही इसने बनाया है तो उसकी फोटो सेंड कर सकते हैं आप और इसका आंसर भी भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर, तो एपिथेलियल टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सीलेटेड होते हैं, नॉन वैस्कुलर विद लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल टाइटली पैक्ड, तो एपिथेलियल टिश्यूज नॉन वैस्कुलर होते हैं और इनकी जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं और कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी, सेकंड इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न था, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इज ह्यूमन ब्लिंग, ठीक है, जो ह्यूमन में था वो जो प्रजनन और मूत्रतंत्र की साझी अंतिम नलिका कौन सी होती है, तो होती है यूरेथ्रा। अगला प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड रिसर्च इन इंडिया, तो ये काफी इजी क्वेश्चन दे दिया था यहाँ पे, तो सीधा हो गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, फोर्थ वन, ठीक है। अगला प्रश्न था, द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ 1 mg/L शैल बी इक्वल टू दैट ऑफ, ठीक है, तो फ्रेंड्स जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्टेड किया जाता है ये जो ब्रैकली और हैंटली मेथड है उससे ये आंसर लिया गया है, और इसमें ये इसके इक्वल होता है, एनईसीएल के इक्वल तो होता है, ये तो सही है। अब ये 0.1 होगा या 0.5 होगा, तो एक्चुअली इसमें जो होता है हाफ होता है, या तो जीरो और हाफ होगा, ठीक है, हाफ होगा तो एक है तो एक का हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 0.5, तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि दूसरा होना चाहिए 0.5 NaCl, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एन इंपल्स व्हेन द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, ठीक है, जब इसमें क्या होगा कि तंत्रिका में संवेद का संरचन नहीं हो रहा होगा तो एक्सोन की झिल्ली में क्या होगा कि मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन होगी या कैल्शियम सोडियम या कैल्शियम, ठीक है, या इम्परेबल होगी। तो दोस्तों जब संवेदी कोशिकाओं में क्या होगा कि संवेद नहीं होता है यानी कि इम्पल्स इंडक्ट नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमेबल हो जाती है पोटेशियम आयन के लिए और नॉट परमेबल होती है सोडियम आयन के लिए, क्योंकि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का ही तो खेल है इसमें, जो नर्व न्यूरोन से जो भी इम्पल्स जाते हैं संवेद जाते हैं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए पहला, मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन होता है उस टाइम पे एक्सोनल मेम्ब्रेन एंड नॉट परमिबल टू सोडियम आयन, तो पहला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इम्यून रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्लोनल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, तो दोस्तों क्लोनल सिलेक्शन क्या है, क्लोनल सिलेक्शन क्या है एक साइंटिफिक थ्योरी है, ठीक है, इम्यूनोलॉजी की, ठीक है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की या इम्यूनोलॉजी की, दैट एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इन
रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन इनवेडिंग द बॉडी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा, द प्रोलिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर्स इन रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक एंटीजन के रिस्पॉन्स के लिए, तो ये इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेट सच एन एलोटिक एसिड एंड सिट्रुलिनिन आर ट्रांसलोकेटेड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स थ्रू, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है रूट नेड्यूल से सूट जाइलम तक, तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड वन। ठीक है, तो दोस्तों आपको अपने जो भी 150 तक क्वेश्चंस थे, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चंस तक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, कुछ बहुत छोड़े हैं उसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन अभी तक का आपके कितने उत्तर आ रहे हैं ये मुझे बता सकते हैं कि कितने आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, वैसे भी कुछ दिनों में आंसर्स की आ जाएगी तो उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो ही जाएगा। आप चैनल से अभी भी जुड़े हैं और आपको केवी पीजीटी बायोलॉजी की आंसर की मिल चुकी है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो सके। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं कि आंसर की इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं दोस्तों, सही जिसको कहा है वो सही ही होगा। ठीक है, बायोलॉजी सेक्शन में स्पेशली मैं कह रहा हूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इससे साथ बनाई रहेगा और कमेंट भी करते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।